सो हे गाइज, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। आज आप लोग देख रहे हैं वापस से SF व्लॉग। SF व्लॉग्स का मतलब होता है सैयद फलाह व्लॉग्स। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज का शुरुआत ही एकदम अलग हो रहा है और अभी बज रहे हैं शाम के या रात के 9, मैं बोलूँगा रात के 9 बज रहे हैं। तो आज मुझे कुछ बात करनी थी आप लोगों से, कुछ रिलेटेड, ब्लॉगिंग से रिलेटेड। जैसे आपने लास्ट व्लॉग मेरा देखा कि शायद अब एंड है, तो एंड तो है लेकिन उसका मैं पूरा रीज़न समझाता हूँ आप लोगों को। हुआ क्या था कि मैंने अपने आप को एक चैलेंज दिया था, जो कि लोग जानते होंगे जो लोग मुझे पहले से देखते आ रहे हैं। मैंने अपने आप को एक चैलेंज दिया था कि एक महीने तक मैं डेली व्लॉग करूँगा। तो वो चीज़ मैंने करी, डेली व्लॉग एक महीने तक किया। फिर उसके बाद ये हुआ कि मुझे मज़ा आने लगा, डेली का मेरा रूटीन बन गया, तो मैं उसको कंटिन्यू करता गया 2 महीने तक। ये इस 5 तारीख को 2 महीने कंप्लीट हो गए, November 5 को 2 महीने मैंने लगातार इस चीज़ को मैंने कंटिन्यू किया। तो इससे क्या हुआ ना, ये मुझे पता चल गया कि अगर मैं चाहूँ तो भाई मैं एक दिन का व्लॉग बना भी सकता हूँ और आके एडिट करके उसको डाल भी सकता हूँ। इतना तो मुझे समझ आ गया कि क्षमता मेरी है। वरना भाई कई बार मुझे ऐसा लगा था कि मुझे ऐसा फील नहीं होता था कि मैं एडिटिंग और वो सब कुछ एक ही दिन में कर पाऊँगा। इससे मुझे ये सीखने को मिला। पर उससे क्या दिक्कत हुई कि कोई कंटेंट तो अच्छा है निकला, उसमें से कुछ कंटेंट बहुत अच्छे निकले, लेकिन कुछ कंटेंट बिल्कुल भी अच्छे नहीं निकले। क्योंकि मेरा जो रूटीन बन गया था ना, वो रूटीन में एक गलती मुझसे हो रही थी बार बार कि मैं आप लोग को वो चीज़ दे नहीं पा रहा था और मैं कुछ भी बना के डाल रहा था। जैसे कि मुझे पता है इस 2 महीने में मैं अपने दोस्तों के साथ था, घर पे था या कहीं भी जा रहा था, तो अधिकतर व्लॉगों में दोस्तों के साथ ही दिखा और वो रिपीट 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 होता गया। उस रिपीट की वजह से बहुत लोगों का इंगेजमेंट टूट गया। हाँ ये है कि भाई लोग मेरे मुंह पे नहीं कहते हैं, लेकिन जो खास लोग हैं या जो जानने वाले लोग हैं वो लोग बताते हैं इस बात की वो ऐसा बोल रहा था, ये ऐसा बोल रहा था। तो जो लोग मुझे जानते हैं, देख रहे हैं काफ़ी टाइम से, तो उन लोग के मन में भी ये बात आ गई थी कि अब फलक के अंदर, मतलब फलक जो अब व्लॉग डाल रहा है वो वैसे व्लॉग नहीं डाल रहा है जैसा डालता था पहले। तो ये चीज़ मुझे बहुत पहले से समझ आ गई थी, लेकिन बस उस चीज़ को कंटिन्यू रखने के लिए मैं रोज़ रोज़ व्लॉग डाल रहा था। तो आज के टाइम पे जो यूट्यूब है वो बहुत ज़्यादा, मतलब मैं बोल सकता हूँ उसमें बहुत ज़्यादा रेस है। क्योंकि जब मैंने सोचा था 2017 में, अगर तब मैं यूट्यूब क्रिएटर होता तो हो सकता है कि मेरे एक किसी ब्लॉग में 10,000, 5,000, 13,000 या ऐसे करके व्यूज आ रहे होते। लेकिन आज के ज़माने में हर घर में एक यूट्यूबर है, चाहे वो किसी से रिलेटेड हो, ब्लॉगिंग से रिलेटेड हो, डेली लाइफ से रिलेटेड हो या किसी चीज़ से भी रिलेटेड हो, है, चाहे वो कुकिंग हो, कुछ भी हो, है घर पे एक ना एक यूट्यूबर है। बहुत तरीके से इंगेजमेंट बदली हुई है हर तरफ, इधर उधर गायब है लोग। लखनऊ में ही, सिर्फ लखनऊ में ही मेरे ख्याल से अगर गिरी से गिरी हालत में तो अगर 5,000 ब्लॉगर तो होंगे ही होंगे, जो मेरी एज के होंगे। जो घर के औरतें और ये सब बनाती हैं वो अलग। तो मैं एक बात ये कहना चाह रहा हूँ, इस 5,000 लोगों में आप मुझे चुनो, ऐसा क्या है मेरे में। तो इस वजह से मैं बोल रहा हूँ कि मुझे टॉपिक शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि टॉपिक में क्या होता है ना कि आप इंगेजमेंट रखोगे। क्योंकि जब लखनऊ की जनता, मैं सिर्फ लखनऊ को लेकर चल रहा हूँ, लखनऊ की जनता अगर मान के चलिए 1 करोड़ है, 1 करोड़ में 5 या 50,000 लोगों की नीड है फूड से रिलेटेड, कि फूड लखनऊ में कहाँ अच्छा बनता है। तो मुझे वो 5 से 50,000 में कम से कम 5,000 लोग देखेंगे, 50,000 के अंदर बता रहा हूँ, 5,000 या 10,000 लोग मुझे देखेंगे, 50,000 रीच जाएगी, उन लोग तक पहुँचेगा लेकिन वो लोग क्लिक नहीं करेंगे। तो ये होता है एक बात जो मैंने आपको समझाना चाहा। अब पूरे लखनऊ वालों को एक ही चीज़ तो पसंद नहीं होगी। अब जैसे कुछ लोगों को पार्टी वगैरह पसंद है, कुछ लोगों को मैं कहीं घुस के जाके कोई शॉपिंग वॉपिंग करूँ वो पसंद है, कुछ लोगों को सबसे लोएस्ट वाली चीज़ें पसंद है, कुछ लोगों को बहुत हाईएस्ट वाली चीज़ें पसंद है। तो उस चीज़ों में मैं थोड़ा नहीं हूँ अभी, और उसका रीज़न भी यही था क्योंकि कोई फिक्स्ड मेरे पास कोई इनकम है नहीं, तो मैं हर जगह हर उस पर मैं भाग नहीं सकता। मुझे भी सोचना पड़ता है कि अगर मैं मान लीजिए वहाँ पे जा रहा हूँ तो यहाँ का इतना खर्चा आएगा, तो दूसरा व्लॉग में जो खर्चा लगना है वो कैसे होगा, ये भी देखना पड़ता है, बजट को भी लेके चलना पड़ता है। तो उतना अच्छा व्लॉग जो मैं नहीं बना पा रहा था, जो चीज़ मेरे अंदर खुद आ रही थी उस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए मैं ये चीज़ कर रहा हूँ।
मुझे पता है डेली लाइफ मुझे बहुत लोग देख भी रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं देखते। मैं सुबह 8 बजे जब डालता हूँ ना, 8 से 9 बजे, तो 35 से 30 व्यूज तो मेरे 2 घंटे में कन्फर्म है आते हैं। जो वो 35-30 लोग जो हैं वो मेरे जेन्युइन है, ये मुझे पता है कि वो लोग देखना चाहते हैं मुझको। लेकिन आप वो 35 से 30 भी अगर मुझे हेल्प करें ना बढ़ने में तो बहुत आसान है। 30 लोग देखते हैं, 300 के 300 लाइक करें, कमेंट कर दें, कमेंट चलो ना भी करें, लाइक करें और बस इतना ही कर दें। लाइक करते रहें, लाइक करते रहें, जितना ज़्यादा लाइक, वो जो ग्राफ होता है वो ब्रूम कर जाता है। 30 लोगों ने, 10 लोगों ने लाइक किया, 20 लोगों ने कुछ नहीं किया, एक नॉर्मल रील चला के छोड़ जाएगा। ये आज का एल्गोरिथम मुझे जो समझ आता है, वैसे यूट्यूब एल्गोरिथम वर्क नहीं करता इन सब चीज़ों पर, लेकिन मुझे लगता है कि जो स्टार्टिंग स्टेज वालों के लिए ना, वो उसके लिए ज़रूरत है। स्टार्टिंग स्टेज वालों को बहुत ज़्यादा रीच चाहिए होती है, बहुत ज़्यादा। जब मेरा लूलू वाला वायरल हुआ था ना, तो लूलू वाले में यही हुआ था कि उस टाइम वो पीक पॉइंट पे चल रहा था और मैंने उस पे बना दिया, और उस टाइम उस लूलू वाले में 1.5 लाख की रीच गई है। 1.5 लाख के लोगों ने, उसमें मुझे 32 से 33 हज़ार लोगों ने देखा है। आप खुद सोच लीजिए, 1.5 लाख की रीच और कहाँ 32 से 33 हज़ार लोग। तो ये बात होती है, रीच सबके पास पहुँचती लेकिन देखते कुछ ही लोग हैं। और मेरा मन नहीं है कि मैं डेली लाइफ बंद करूं, लेकिन मुझे करना पड़ेगा, क्योंकि मैं खुद नहीं चाहता कि धीरे धीरे करके मेरा चैनल डेड हो जाए। क्योंकि भाई 1.5 साल लगाया मैंने इस चैनल पे, आज जो भी है इस चैनल का मुझे पता है कि कैसे आया हूँ, कहाँ तक आया हूँ, कहाँ तक पहुँच चुका हूँ। तो मैं ये नहीं चाहता कि अब वो चैनल को मैं ख़राब कर दूँ, वो ख़त्म कर दूँ। उस चैनल को मुझे बहुत आगे तक लेके जाना है, बहुत आगे तक। ये चैनल सिर्फ लखनऊ वाले नहीं, पूरा इंडिया देखे, पूरा मतलब वर्ल्ड में भी अगर लोग मुझे देखें तो पता चले कि हाँ, ये कोई सैयद वाला का है जो वहाँ देखता है। तो ये बनना चाहता हूँ मैं, तो वो चीज़ इन सब चीज़ों से बन नहीं पाएगी मुझे जो लगता है, क्योंकि अब कोई कोरोना का टाइम नहीं है। अब सब लोग अपना वापस पैसा कमाने में लग गए, उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो मेरे घर की फालतू चीज़ें और मेरे दोस्तों के साथ मेरे गपशप। एक बार देखता है, 2 बार देखा है, 3 बार देखा है, बार बार नहीं देखता है कोई, ये चीज़ मुझे भी पता है। लेकिन एज अ डेली क्रिएटर मैं वो चीज़ दिखा रहा था आपको, बस ये वाली बात थी और ऐसा कोई वैसी बात नहीं थी। बहुत चीज़ें हैं जो अब मैंने सोच के रखी हैं, जो आने वाली हैं आप लोग के लिए, दिखने वाला है आप लोगों को, और मज़ा आएगी आप लोगों को। ये है, मैं बंद नहीं कर रहा हूँ, मैं फिर बता रहा हूँ, मैं बंद नहीं कर रहा हूँ, लेकिन टॉपिक बनाऊँगा। ऐसा भी नहीं है कि मैं एक दिन डालूंगा तो 3-4 दिन नहीं डालूंगा, नहीं, ऐसा भी नहीं है। अगर मैंने आज गया हूँ कहीं, मैंने बनाया है, मुझे अच्छा लगा, मैं कल डाल दूंगा, फिर कल भी अगर मैं कहीं पहुँच गया हूँ तो वो परसों आएगा। ऐसा नहीं कि गैप करूंगा, मैं कोई गैप नहीं करने वाला हूँ, मैं डालूंगा। अगर जैसे मान लीजिए आज का बना तो कल डलेगा, और कल भी हम कहीं घूमने चले गए और अच्छा बन गया तो मैं भी वो परसों डालूंगा। ऐसा नहीं कि एक आज बना दिया तो 1-3 दिन बाद डालेंगे, 1-4 दिन बाद डालेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। डालूंगा, लेकिन जब तक मुझे फील नहीं होगा कि वो चीज़ अच्छी है तब तक मैं वो चीज़ नहीं डालूंगा। तो मुझे लगता है कि आप लोग समझ रहे होंगे मेरी बात को, जो मैं कहना चाह रहा हूँ। और आप लोगों का क्या कहना है ये आप लोग बताइए, डिसीजन सही है, गलत है? देखिए, अब सबसे पहली बात, चैलेंज वीडियोज़ आने वाले हैं, हिस्टोरिकल वीडियोज़ आने वाले हैं, कुछ ऐसी वीडियो घूमने से रिलेटेड, बाहर ट्रिप वगैरह ये सब आने वाले हैं, बहुत सी चीज़ें, प्लेसेस हैं, अलग अलग जगहें हैं, तो ऐसी चीज़ें आने वाली हैं। तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि थोड़ा आप लोग समझिए, अगर आप लोग को ऐसा फील होता है कि ये चीज़ गलत है, मुझे ये चीज़ को कंटिन्यू रखना चाहिए, तो मैं वो चीज़ कंटिन्यू रखूँगा, अगर आप लोग कमेंट में ये बताते हो। लेकिन अगर आप लोग कहते हो कुछ भी रिस्पांस, जैसे कि पहली तरह अगर अभी भी कोई रिस्पांस नहीं आता, तो मैं समझ जाऊंगा कि आप लोग नहीं देखना चाहते हो। तो बस यही बात थी, ऐसे ब्लॉग्स यहाँ पे एंड नहीं होता है, डेली लाइफ एंड होता है और टॉपिक वैसे ही चलता रहेगा और ब्लॉग्स भी आते रहेंगे, ऐसा नहीं है कि ब्लॉग्स बंद हो जाएंगे। और बहुत कुछ इस महीने में होने वाला है, बहुत कुछ अगले महीने में होने वाला है, तो मैं नहीं, ये नहीं चाहता कि उस टाइम तक लोग मुझसे कट जाएँ। तो वो लोगों जो अब तक कट चुके हैं उनको भी मुझे वापस खींच के लाना है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा सा आप लोग मेरा साथ दीजिए, और बस इतनी सी बात है। तो होप सो आप लोग को ये व्लॉग अच्छा लगा हो, अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, अच्छे व्लॉग में और टॉपिक से रिलेटेड व्लॉग में जल्दी। बाय बाय, नमस्ते, अल्लाह हाफिज़, सायोनारा, केम छो, मजा मछे,
थैंक यू। को शेट ठोक दीजिए महाकाल का सर, दबा कर लाकर शेट ठोक दीजिए, 5,000 लौटे दिख जाना चाहिए, ये 4,000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ।